दुनिया के सबसे जहरीले बिच्छू, ये आपकी जान भी ले सकते हैं। बिच्छू यानी स्कॉर्पियन, जिसके बारे में आप जरूर जानते होंगे, जो कि एक बेहद ही खतरनाक जीव है। इनके पास एक डंक होता है जिसमें जहर होता है। वैसे हर बिच्छू का डंक जानलेवा नहीं होता, लेकिन बहुत दर्दनाक होता है। मगर दुनिया में कुछ ऐसे बिच्छुओं की प्रजाति पाई जाती है जिनका जहर आपको मौत की नींद सुला सकता है। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आमतौर पर बिच्छू गर्म इलाकों में पाए जाते हैं। ये पत्थर और चट्टानों के बीच बनी दरारों में छिपे रहते हैं और रात के समय ही ज्यादातर बाहर निकलते हैं, क्योंकि ये रात्रिचर जीव होते हैं। बिच्छू की लगभग 2000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो न्यूजीलैंड और अंटार्कटिक को छोड़कर दुनिया के हर हिस्से पर मौजूद हैं। ये उन क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं जहां का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। लेकिन ये जमा देने वाली ठंड और बहुत ज्यादा गर्मी को भी सहन कर सकते हैं। बिच्छुओं की पाई जाने वाली हर प्रजाति जहरीली नहीं होती, लेकिन कुछ प्रजाति इतनी घातक होती है जो आपको अपने एक ही वार में मौत की नींद सुला दे। तो आइए जानते हैं दुनिया के सबसे जहरीले बिच्छुओं के बारे में। इंडियन रेड स्कॉर्पियन, इसे दुनिया का सबसे खतरनाक बिच्छू माना जाता है। भले ही दिखने में ये छोटा होता है, लेकिन इसके एक बार काटने से ही इंसान की जान पर बनाती है। इसका जहर इतना खतरनाक होता है कि काटने के कुछ ही देर बाद पीड़ित इंसान को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इसके साथ ही फेफड़ों में दर्द की शिकायत होने लगती है। अगर आपकी किस्मत बुरी हुई तो आपकी जान भी जा सकती है। कहा जाता है कि इसके जहर के काट के लिए अभी ऐसी कोई दवाई नहीं है जो आपकी जान बचा सके। इसके काटने के बाद अगर एंटीडोट दे भी दिया जाए तो सिर्फ 4% ही चांस होते हैं कि इंसान जिंदा रह सकेगा। ये नारंगी, भूरे और ग्रे कलर के होते हैं। ये बिच्छू भारत, नेपाल और श्रीलंका में ही पाए जाते हैं। डेथ स्टॉल्कर, इस बिच्छू के नाम में ही ऐसा शब्द छिपा है जो साबित करता है कि ये कितना घातक होता होगा। इस बिच्छू के शिकार करने का तरीका बेहद ही खतरनाक होता है। ये देखने में छोटा और पीले रंग का होता है, जो ज्यादातर रेगिस्तान में पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये अक्सर रात के समय ही शिकार करने निकलता है। रेगिस्तान की रेत में ये कब और कहां हमला कर दे किसी को पता नहीं चलता। आमतौर पर ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों का ही शिकार करता है, लेकिन अगर इसको अपनी जान का खतरा दिखाई देता है तो ये बड़े से बड़े जानवर पर भी हमला कर देता है। इस बिच्छू की सबसे बड़ी खासियत है कि इसका सारा जहर इसकी छोटी सी पूंछ में होता है, जो बेहद ही खतरनाक होती है। इसके जहर का छोटा सा हिस्सा ही किसी जानवर को मारने के लिए काफी होता है। ब्राजीलियन येलो स्कॉर्पियन, इस बिच्छू को चलती फिरती मौत कहा जाए तो कम ना होगा। ब्राजीलियन येलो स्कॉर्पियन पीले रंग का होता है। इसका जहर इतना तेज होता है कि एक बार काटने से ही शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं। पूरे शरीर में भयानक दर्द होने लगता है और फेफड़ों में सूजन आने लगती है। ब्राजील में हर जगह इनका ही आतंक छाया रहता है। इनके काटने से हर साल 3000 लोगों की मौत हो जाती है। कहा जाता है कि इसके काटते ही अगर एंटीडोट दे दिया तो ही मरीज की जान बचाई जा सकती है, नहीं तो उसके बचने की कोई गुंजाइश नहीं होती। लेकिन देखा गया है कि कई बार एंटीडोट देने के बाद भी पीड़ित को बचाया नहीं जा सका है। अरेबियन फैट टेल्ड स्कॉर्पियन, इस बिच्छू की शक्ल देखते ही आपकी हवा टाइट हो जाएगी। अरेबियन फैट टेल्ड स्कॉर्पियन चटक काले रंग का बिच्छू होता है, जो रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है और हर समय अपने शिकार के लिए घूमता रहता है। इसको देखते ही आपको एहसास हो जाएगा कि सामने कितना बड़ा खतरा खड़ा है। इस बिच्छू के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। इनके आगे कितना भी बड़ा खतरा क्यों ना आ जाए, ये किसी से नहीं डरते। इनका डंक तो जहरीला होता ही है, साथ ही इनके पंजे भी बहुत खतरनाक माने जाते हैं। एरिजोना बार्क स्कॉर्पियन, ये बिच्छू अमेरिका के एरिजोना में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें एरिजोना बार्क स्कॉर्पियन कहा जाता है। ये बिच्छू हर साल कम से कम 100 लोगों को अपना शिकार बनाता है।
बार्क स्कॉर्पियन बहुत ही जहरीला होता है और इसके जहर का तोड़ खुद इसका जहर ही होता है, क्योंकि इसका जहर एंटीडोट बनाने में काम आता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि आम दवाइयां तो इसके जहर के आगे फेल हो जाती हैं, लेकिन इसके जहर से बना एंटीडोट पूरी तरह से काम करता है। अगर ये बिच्छू किसी को काट लेता है तो उसकी जान बचाई जा सकती है, बशर्ते एंटीडोट सही समय पर दिया जाए तो, नहीं तो जान बचाना मुश्किल हो सकता है। एम्परर स्कॉर्पियन। इस बिच्छू की एक खासियत होती है कि इसको पाला भी जा सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इसी तरह के जीव पालने का शौक होता है, लेकिन इसे पालना इतना आसान भी नहीं है। एक छोटी सी गलती आपकी जान ले सकती है। बिच्छुओं की प्रजाति में ये सबसे बड़े बिच्छू होते हैं, जिनकी लंबाई करीब 6 इंच तक होती है, लेकिन इनकी उम्र काफी कम होती है। औसतन ये 6 से 8 साल तक ही जिंदा रहते हैं। दूसरे बिच्छुओं की तुलना में ये कम जहरीला होता है, इसलिए जान जाने की गुंजाइश कम होती है, लेकिन इसके काटने पर बहुत तेज दर्द होता है। साउथ अफ्रीकन फैट टेल स्कॉर्पियन। ये बिच्छू साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, जिसे कई लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इस बिच्छू का डंक इतना खतरनाक होता है कि दर्द के मारे आपके प्राण निकल जाएं। इस बिच्छू की एक खासियत है कि इसके जहर की मात्रा बताती है कि पीड़ित के साथ कितना बुरा होने वाला है। अगर जहर की मात्रा कम हुई तो शरीर में बेहिसाब दर्द होगा, लेकिन जहर की मात्रा ज्यादा होने पर नसें काम करना बंद कर देती हैं और शरीर में लकवा हो जाता है। अगर किस्मत इससे भी बुरी रही और जहर की मात्रा बहुत ज्यादा शरीर में चली गई तो पीड़ित की जान जाने में थोड़ा ही वक्त लगेगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि इस बिच्छू का डंक ही आपके लिए खतरा है तो आप गलत हैं। कहा जाता है कि ये बिच्छू जहर को पिचकारी की तरह छोड़ने में भी माहिर होता है। इस तरीके से जहर आपके शरीर में तो नहीं जाएगा, मगर आपकी आंखों में चला गया तो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। बिच्छू छोटे भले ही होते हैं, लेकिन इनका डंक बेहद ही घातक होता है, जिससे किसी की भी जान जा सकती है। वैसे तो ये शांत स्वभाव के होते हैं, मगर किसी भी तरह की छेड़छाड़ या खतरा होने पर किसी की भी जान ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।